तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के बस स्टैंड पे पता करने के लिए कि बसेस चल रही हैं या फिर नहीं चल रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग बता दूंगा। ये मतलब कल के मुकाबले तो कम है बट अभी भी बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियाँ तो दिखी नहीं रही हैं अभी भी, एंड वोट बिल्कुल यहीं से बराबरी में आ चुके लेवल। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, आज है नेक्स्ट दिन, तो अभी आप लोग देख सकते हो मैं लेक साइड पर बैठा हूँ। सो आज नेक्स्ट दिन है तो अभी मैं बैठा हूँ लेक साइड पर, आप लोग देख सकते हैं, तो जो भी चीज़ें होती है आज मैं आप लोग सब कुछ दिखाता हूँ। एंड अभी धूप आ रही है बढ़िया, देख सकते हो टाइम हो रहा है 1:30 अराउंड अराउंड। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, ये वाली कल वाली वीडियो को तो आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, तो चलते हैं और देख के आते हैं सब कुछ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे नैना देवी मंदिर, वहाँ पे देख के आते हैं, बस बुक कराने, तो सबसे पहले इसकी बस भी बुक करवानी है क्योंकि इसको देहरादून जाना है, कल जा नहीं पाया था क्योंकि रोड सारी ब्लॉक्ड है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स भी टूट गए एंड लैंडस्लाइड भी काफ़ी जगह पे हुई थी। तो जितनी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करता हूँ, एंड कल की वीडियो में आप लोग देख लिया था क्या हाल था। सो गाइस अच्छी बात यह है ना कि आज सही धूप आ रही है, मतलब बढ़िया एंड खुला खुला मौसम है इधर तो, एंड वोटिंग भी आज स्टार्ट कर दी गई है, तो उस साइड पर मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक देखना बस। सो गाइस सारी शॉप्स वापस से खुल तो चुकी हैं, एंड उस साइड देख कर आते हैं वहाँ पर ना जहाँ से बोटिंग हो रही थी, कल तो वहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी खड़ी होने की, अभी देख के आते हैं कि कितनी है कितनी नहीं क्योंकि बोटिंग तो स्टार्ट है ही। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर तो पहुँच चुके हैं, यह है बोटिंग स्पॉट और यहीं पर से ही देख सकते हो पानी का लेवल, पूरी बीच वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर, सीढ़ियाँ तो दिख नहीं रही हैं अभी भी, एंड बोट बिल्कुल यहीं से बराबरी में आ चुके लेवल देख रहे हो, बट वोटिंग स्टार्ट होगी क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी सारे हैं, हल्ला हो रहा होगा सॉरी, तो यहाँ पर से तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो चलते हैं फिर आगे देख कर आते हैं। वही कल ना सारी बोट्स में कूड़ा पड़ा हुआ था मैंने आप लोगों को दिखाया, बट आज सब साफ कर दिए हैं बढ़िया से, एंड वोटिंग स्टार्ट कर दी है। अभी हम लोग आ चुके हैं नैना देवी मंदिर के अंदर, तो यहाँ पर ही ना कल तो आप लोगों ने पानी का लेवल देख ही लिया था, तो अभी काफ़ी हद में मतलब कंट्रोल में है, तो इस साइड ना रस्सी लगाई हुई है ताकि उस साइड लोग ना जाएं, एंड तो कुछ ऐसा ऐसा पानी है अभी। तो अभी कुछ ऐसा है, तो चलते हैं फिर आगे और मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। अभिषेक के साथ आया था मैं, स्मार्टी बॉय। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड पर, एंड अभी सबसे पहले जाते हैं ट्रैवल वाले के पास ना, तो इसकी बस बुक करवा के आते हैं, देखते हैं हो रही है कि नहीं हो रही है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि रोड्स खुली हैं या फिर नहीं खुली हैं। जो तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दोबारा से लाइब्रेरी पर, एंड अब देखते हैं यहां पर पानी का कितना है। सो गाइस अभी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पानी है, मतलब कल के मुकाबले तो कम है बट अभी भी बहुत ज़्यादा है, कल वाली वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा पानी था। सो यहीं पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थक गए यार। सो गाइस अभी हम लोग पता करने के लिए गए थे कि देहरादून की बस जा रही है या फिर नहीं जा रही है, तो ना उन लोग अंकल ने बोला कि हल्द्वानी तक जो वैसी वाली टैक्सीज होती है उससे, बस तो नहीं चल रही है लेकिन टैक्सीज चल रही हैं, उसके बाद हल्द्वानी से मिल जाएगी देहरादून की बस, तो ऐसा कुछ बताया उन्होंने हमें। आप लोग से मेरे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा इस, क्योंकि ना नैनीताल के मैं ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आप लोगों को देता रहता हूँ एंड सारी चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी बताता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी हर चीज़ बताते रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कल की वीडियो ने देखी तो बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किसी ने करा ही नहीं यार, बताओ बहुत बहुत मस्त वीडियोस दिखाऊंगा गाइस, कर रहा है सब्सक्राइब करना बनता है और शेयर भी कर देना एंड और कुछ नहीं। सो गाइस हाँ बस सब्सक्राइब कर देना, मैं पीछे के आप लोगों को दिखाता हूँ बादल आ रहा है, टाइम लैप्स लगाता हूँ इसमें एक सेकंड होता। पीछे ना न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं, वो बता नहीं क्या क्या बता रहे हैं बट सनसनीखेज खबरें बता रहे थे गाइस, ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं तो ऐसे अच्छा भी लगता है यार, मतलब उनका भी काम है, बट उनसे अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अपने 20 मेगापिक्सल के कैमरे से, तो चिंता नहीं करनी। 42 है तो, अरे वो फ्रंट कैमरा 20 है, हैं तो आप देखो कितना मेहनत कर रहा है, थोड़ी हेल्प करो इसकी, आईफोन 13 प्रो खरीद लेगा। तो गाइस अभी मैं आपको अपने फ़ोन से दिखा दूंगा जो वो इतने बड़े बड़े कैमरों से नहीं दिखा पाएंगे, तो चलते हैं फिर आगे। हाँ हमारे साथ ठीक है गाइस, और सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली तल्लीताल पर, पैदल आ रहे थे हम लोग, एंड जो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था ना पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, तो अभी भी पानी है ही जो मैं देख पा रहा हूँ, आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ,
बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि लोग पूरा घुटनों तक डूब रहे थे। सो ये देख सकते हो यहाँ पे ना, रोड में पानी ज़रूर है बट इतना नहीं है कल के मुकाबले, तो कुछ भी नहीं है, बट कुछ भी नहीं है गाइस। बस यहाँ से ना संभल के निकलना पड़ेगा यहाँ पर से, क्योंकि बीच में गाड़ी आ गई ना तो हम भीग जाएंगे। तो थोड़ी देर गाड़ी निकलने दो, फिर उसके बाद हम लोग पार करेंगे, क्योंकि बीच रास्ता दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, देख सकते हो स्कूटी भीग रही है। सो ये जल्दी जल्दी पार करना पड़ेगा, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही अभी। ओए भाई, जूतों के अंदर पानी तो गया गाइस, देखो। सो गाइस अभी मैं उस साइड से इस साइड तो आ चुका हूँ, एंड सामने देख सकते हो आप लेक का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लेकिन कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा सही है चीज़ें। तो अभी मैं उस साइड जा के दिखाता हूँ जहाँ पे आई लव नैनीताल लिखा हुआ था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के बस स्टैंड पे पता करने के लिए कि बसेस चल रही हैं या फिर नहीं चल रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग बता दूंगा। वैसे तो हम लोग ने पूछ लिया था थोड़ा बहुत जाकर, ठीक है, तो फिर पता करते हैं, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ उसके बाद, वहाँ से आने के बाद। हम लोग यहाँ पर पता करने के लिए आए थे लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं। वही अभी एक अंगल से पता करा तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बसेस नहीं चल रही है, रोड ही बनने कहाँ से आएंगी वल। तो फिर ऐसा कुछ है तो आगे चलते हैं, नहीं चल रही है इसका मतलब बस, और जो टैक्सीज है ना वो सिर्फ बुकिंग पे जा रही है। इस बसेस ना बिल्कुल ही नहीं चल रही हैं, बिल्कुल ही नहीं चल रही हैं, हम लोग ना पता कर लिया है। और जो टैक्सी वाले हैं ना वो बुकिंग में जा रहे हैं 2500 रुपये में, जो 70 रुपये किराया लेते हैं उसका 2500 रुपये ले रहे हैं। तो बट सिचुएशन भी सही नहीं है ना अभी, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ जा नहीं सकती, छोटी गाड़ियाँ निकलने का ऑर्डर है बस। हाँ तो मैं आगे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस यहाँ पर से देख सकते हो उधर पानी का लेवल देख लो, एकदम बराबर ही है दीवार से, इंटरव्यू कुछ ऐसा ऐसा है। तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दी हैं आज की वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, आज की मैंने जो भी कंडीशन थी आप लोगों को एकदम से अपडेट दे दी है जल्दी से, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, अभी ये जाएगा देहरादून, तो पहले इसको हल्द्वानी जाना पड़ेगा, तो 2500 रुपये खर्च करने तैयार है भाई। गाइस देखो कितनी लूट मच रही है ना, मतलब 2500 रुपये ले रहे हैं, हद होती है। बट सिचुएशन इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे, सिचुएशन भी तो ठीक नहीं है यार। तो बस फिर ऐसा कुछ है आज की वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो से नहीं मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।